वेलकम टू स्टडी आईक्यू हम अमित वरी द किलोर वट इज इन श्रीलंका श्रीलंका हैज अ वेरी वेरी ट्रीमेंडसली स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन इंडियन ओशियन एंड इफ समबड़ी वॉन्ट्स टू डोमिनेट इंडियन ओशन या तो वो इंडियन ओशन में लोकेटेड हो जैसे कि इंडिया है और एल्स दैट कंट्री कैन टेक हेल्प ऑफ श्रीलंका विच चाइना इज ट्राइंग टू डू दैट दे हैव एक्सेस टू द इंडियन ओशन अब वो उसके दो पर्पज सबसे पहले चाइना की चाइना की हेजेमनी को द ओनली चैलेंज विच कैन कम फ्रॉम एशिया इज फ्रॉम इंडिया फर्स्ट एंड सेकेंड फिर देयर ओन इंटरनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी के पर्पजिस से दे वॉन्ट टू हैव अ कंट्रोल ऑफ इंडियन ओशन तो रिसेंटली अभी भी श्रीलंका ने एक बिल पास किया श्रीलंकन पार्लियामेंट ने द बिल इज नोन एज द कोलम्बो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल

After a while, when the Chinese चाइनीज uh, government will ask for the interest, जब कंट्री नहीं पे कर पाती है श्रीलंका अगर उसको नहीं pay कर पाती है so they take the lease of that whole property. ऐसा पहले हम मन तोर्ट में श्रीलंका कर चुकी है So the same fear is basically right now again कि China के जो अगर अगर हम China के sovereign पैसे पे इन्वेस्टमेंट पे हम श्रीलंका को डिपेंडेंट कर दे तो धीरे धीरे जो ऑफिशियल कंट्रोल ऑफ दो प्लेस है श्रीलंका का जो ऑफिशियल कंट्रोल है वो चाइना के पास चला जाता है लेट्स हैपनिंग द अपोजिशन इज बेसिकली डेफिनेटली अलेजिंग की जो ये बिल पास हुआ है कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल इससे धीरे धीरे श्रीलंका चाइना की इकॉनमी बनता जा रहा है कॉलोनी बनता जा रहा है चाइना बेसिकली श्रीलंका में पहले मेजर इन रोड्स उन्होंने स्टार्ट किया था जब उन्होंने कुछ साल पहले एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वेरी विजनरी वेरी एम्बिशियस जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ये जो भी जितने भी कंट्रीज है एशियन कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा चाइना वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट करता है एंड बेसिकली गेन्स कंट्रोल इफ यूर इन्वेस्टिंग सो मच मनी यू ऑल्सो गेन सम कंट्रोल एंड सम इंसेंटिव फ्रॉम दोज कंट्रीज धीरे धीरे दिस प्रोसेस विल एक्चुअली एंड अप मेकिंग दम ए कॉलोनी पाकिस्तान हो गया श्रीलंका हो गया म्यांमार हो गया ऑल दीज कंट्रीज विल फाइनली एंड अब बिकमिंग चाइनाज कॉलोनी क्योंकि उनके ऊपर इतना डेथ हो जाएगा चाइना का कि चाइना विल गेन कंट्रोल एंड फुट होल्ड इन दीज कंट्री अब यहां पे चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत श्रीलंका में हमन तोता पोर्ट को इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप किया था सो दे इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑफ 1.2 बिलियन डॉलर डेट पे नहीं कर पा रहे थे तो हम मन तो पोर्ट को लीज कर दिया गया चाइना को अगले निन्यानवे सालों के लिए एक अंडर लाइन ऑफ द डेट स्वैप कि भाई लोन आपका स्वैप हो गया है अब हम निन्यानवे साल तक बेसिकली इस प्लेस को पूरा पूरा कंट्रोल करेंगे

विश्व की जितनी भी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सी उनमें से गुजरता है आई थिंक दिस मैप विल क्लियर इट मच मोर इफ यू लुक एट द श्रीलंका द मेजर सी ऑफ इंडियन ओशन पासिस श्रीलंका तो कोई भी यहां से जितने भी पेट्रोल के टैंकर जितने भी यहां से सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट से जाते हैं वो सारे के सारे श्रीलंका से गुजरते ही हैं। अगर उनको चाइना जाना है तो पहले श्रीलंका से गुजरेंगे फिर यहां मलक्का स्टेट से गुजरेंगे एंड देन ओनली दे कैन रीच चाइना दिस प्लेस इज मलक्का स्टेट में तो चाइना जपान साउथ कोरिया सिंगापुर जाने वाले जितने भी शिप्स हैं उनमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन श्रीलंका को फायदा होता है and this is where the हम पोर्ट एक्चुअली पिक्चर नाउट हम इज कंट्रोल्ड बाई दाइनीज सो चाइनीज ऑफ दी सी रूट सबके लिए जपान के लिए साउथ कोरिया के लिए सिंगापुर के, के लिए अब ये क्रिटिकल है फॉर ऑल दिस नेशन टू इंश्योर की ये जो सी लेंस है ये सेफ भी हो और सिक्योर भी हो और किसी भी प्रकार से जियो पाराइज नहीं हो पाए

चाइना के साथ मलक्का स्टेट से एंटर करने से पहले जितने भी सी रूट्स होते हैं वो यहां पर श्रीलंका की जो सदर्न टिप्स है वहां से होकर गुजरते हैं जो कि विच इज ओनली लाइक ये हेड इज बेसिकली द नेम ऑफ द जोग्राफिकल प्लेस जिसको कहा जाता है डोंड्रा हेड इज बेसिकली लाइट हाउस ठीक है तो यहीं से जाके सारे के सारे सी रूट्स होते हैं और उसके बाद उनको डिफाइन होता है वो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं नहीं जा सकते नाउ दिस डोंड्रा हेड इज बेसिकली जस्ट लोकेटेड टेन किलोमीटर फ्रॉम नाउ कंट्रोल्ड बाई दाइनीज कंट्रोल इस पोर्ट का चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक एसेट है वाई कोई भी कंट्री जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एंड इन दी सिनेरियो ऑफ ए स्पेसिफिक वॉर विद चाइना कैन ब्लॉक दीज सी रूट्स और अगर ये सी रूट ब्लॉक हो जाएंगे तो चाइना के पास कोई भी ऑयल या कोई भी उसके पास जो नेचुरल गैसेस है एनी काइंड ऑफ एनर्जी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो उसकी है हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं वी कैन एक्चुअली हैंडीकैप द होल कंट्री अगर हम इन सी रूट्स को बंद कर दे चाइना के लिए एंड एनहेंस चाइना की एक सिक्योरिटी नीड है कि हम मनतोता पोर्ट या फिर मलब का स्टेट या फिर ये सी रूट्स के ऊपर उनका पूरा का पूरा, 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 पूरा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो अ स्ट्रॉन्ग नेवी प्रेजेंस ऑफ चाइना इन दीज प्लेसेस एक्चुअली गिव्स हिम ह्यूज एडवांटेज अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी खुद की तो एनर्जी सिक्योर होगी होगी और अगर जरूरत पड़ती है तो दे कैन डिस्टर्ब दी बैलेंस और जापान के लिए साउथ कोरिया के लिए अगर उनको कभी भी जरूरत पड़ता है सो दे कैन ब्लॉक दीज पास यहां से बहुत क्लियर कट बात है इसमें दो चीजों की बात ध्यान रखें सबसे पहले दिस इज श्रीलंका एंड दिस इज मलक्का स्टेट मलक्का स्टेट विश्व के सबसे महत्वपूर्ण सी रूट में से एक है इंडीड इट्स काइंड ऑफ ए चोक पॉइंट

मलक्का स्टेट इंडिया एक्चुअली हैज़ द कि हम मलक्का स्टेट को जरूरत पड़ने पर ब्लॉक कर सकते हैं और वी कैन क्रिएट ऑब्स्टेकल एंड्रस इन टू पासिंग दी सी जो भी शिप्स वहां से जा रही हैं जिससे बेसिकली डायरेक्ट नुकसान होगा चाइना का दिस क्योंकि इंडिया जितने भी वेस्टर्न अप्रोचेज है मलक्का स्टेट्स को उनको ब्लॉक कर सकता है क्योंकि हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बहुत ही ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में सो so, यहाँ पे इस मैप से बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा सी यहाँ से जितने भी ऑयल और एनर्जी नीड्स हैं चाइना के वो श्रीलंका होते हुए इस मलक्का स्टेट से यहां पे गुजरते हैं नाउ अंडमान एंड निकोबार और लोकेटेड है हम अपनी छोटी सी नेवी प्रेजेंस के बावजूद भी यहां पे इस मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं अगर हम मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर देते हैं चाइना चाइना विल हैव ओनली वन वे क्या चाइना को ये सी रूट लेना पड़ेगा अवॉइडिंग मलक्का स्ट्रेट चोक पॉइंट दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग सी रूट एंड विच वुड बी इकोनॉमिकली नॉट वायबल फॉर चाइना एंड हेंस उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है श्रीलंका को स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल करना ताकि अपनी जो नेवी है उसकी इंडियन ओशियन में कॉन्स्टेंट प्रेजेंस बनाए रखे अब चाइना का जो है रिसेंटली नए फ्रेश अटेम्प्ट है अभी अभी उन्होंने पोर्ट जो कोलंबो पोर्ट कमीशन बिल जो पास किया श्रीलंका ने चाइना इज मेकिंग मोर इनरोड्स इनटू तो द श्रीलंका एंड दिस इज रेजिंग रेड फ्लेक्स इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी आल्सो स्पेसिफिकली क्यों क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के गार्ब में धीरे धीरे अब वहां की जो श्रीलंका की एथनिक तमिल कम्युनिटी है उसको भी वो करने की कोशिश कर रहा है दे प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर दे प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट दे प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू दी तमिल एंड तो बेसिकली द

अब जितनी भी ये प्रोल है चाइनीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की और जो ये प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है श्रीलंका के नदन प्रोविंस में इसको बाद में चाइना जरूरत पड़ने पे इन पर्टिकुलर सिचुएशन अपने नेफेरियस पर्पसेस के लिए या अपने स्ट्रेटेजिक रीजनस के लिए डेफिनेटली एक्सप्लोयर कर सकता है वी एस सीन द सेम हैपनिंग इन द लद्दाख ऑल्सो जैसे ही उनको जरूरत पड़ी ड्यूरिंग द पेंडेमिक दे एक्चुअली

यहां पर देखिए दिस इज दी नदर प्लेन पेनिंसूला ऑफ द श्रीलंका एंड धीरे अभी अभी श्रीलंका ने यहां पे एक 12 मिलियन डॉलर का एक विंड एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट था जो कि चाइनीज कंपनी है साइनोसोर और एचविन विन ज्वाइंट वेंचर उसको ग्रांट कर दिया राइट इन दी जाफना पेनसुला अभी इसी साल फरवरी में हुआ ये नाउ दिस आईलेट इज ओनली फिफ्टी किलोमीटर फ्रॉम तमिलनाडु होगा क्या अगर चाइना को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो चाइना की नेवी वहाँ पर ऑटोमेटिकली लॉजिकली प्रेजेंट हो सकती है ओनली 50 किलोमीटर फ्रॉम चाइना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है इंडिया डेफिनेटली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट एंड इंडीड काउंटर कि हम खुद 12 मिलियन डॉलर देते हैं अगर आपको ये प्रोजेक्ट एक्जीक्यूट कराने हैं बट अगेन चाइनीज श्रीलंका में गवर्नमेंट इज मच मोर प्रो चाइनीज और वो हो सकता है अंदर से और भी किकबैक्स ले रहे हैं तो अभी इस बात के लिए कोई अग्री नहीं हुआ है राइट नाउ द चाइना विल बी एक्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट एट दिस प्रेजेंट मूमेंट इंडियन बेरोसी चेंज इट बट इतना आसानी होता है उसके बाद चाइनीज एक और ज्वाइंट वेंचर है जो की वहीं पर नॉर्दर्न श्रीलंका के अंदर एक कोस्टल विलेज है वहां पर सी कुकंबर फिश की फार्मिंग के लिए वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं वहां पर लोकल फार्मर्स ने प्रोटेस्ट भी किया बट अगेन वेन लार्ज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न तो फार्मर्स की प्रोटेस्ट को कौन ही सुनता है सेवरल इन रोड इन दिस रीजन इज बींग ऑब्जर्व अब जो ये सारा का सारा प्रोग्राम है श्रीलंका म्यांमार पाकिस्तान में भी सी बना रहा है अंडर द बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना उनका पर्पस क्या है कि इंडियन ओशियन रीजन जो है वहां पर जितने भी कंट्रीज हैं उसके साथ चाइना अपने मैरिटाइम लिंक्स एस्टेब्लिश करना चाहता है चाहे वो सेचलिस हो मॉरिशियस हो मालदीव हो बांग्लादेश हो म्यांमार हो एंड इवन टू द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज द आइडिया इज बेसिकली अबाउट रिलेटेड टू द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब कि वो चारों तरफ इंडिया के एक मोतियों की माला बनाना चाहता है ताकि इंडिया चारों तरफ से चाइनीज प्रेजेंस के लिए हमेशा अवेयर तो ये पोर्ट इन्वेस्ट कर रहा है मॉरिशियस में कर रहा है श्रीलंका में कर रहा है म्यांमार में कर रहा है एंड ऑल एनी वेयर वेयर पॉसिबल दिस मेक्स इवन इन द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज दिस मेक्स जहाँ जहां पे इसको कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इसको इंटरनेशनल uh, रिलेशन में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है ऑल दीज चिटागोंग कमर्शल नेवी बेस बना रहा है सर्वेलेंस फैसिलिटी है हम तो कंटेनर फोर्ट है नाव चाइना के कंट्रोल में है गवादार नेवल बोस पाकिस्तान के वहाँ पर बनाया जा रहा है एंड सो ऑन दो सारे के सारे चारों तरफ से इंडिया को बेसिकली कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है एंड नाउ इट इज बींग डन इन द श्रीलंका विद व वेरी मिलीटेंट एटीट्यूड दिस क्रिएट्स सिन वेर इंडिया नीड्स टू टेक केयर ऑफ दिस क्योंकि अगर इंडिया नीड्स डजेंट टेक केयर ऑफ इट तो जितना भी इंडियन ओशियन का एरिया है यहाँ पर चाइनीज नेवी की कॉन्स्टेंट प्रेजेंस रहेगी अंडर द गार्ब की वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर सकते हैं बट देन उनका जो मेन प्रोजेक्ट है कि उसको स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल कर सके ताकि यहां श्रीलंका से जाने वाले और जो ये मलक्का स्टेट है दिस मलक्का स्टेट को चाइना कंट्रोल कर सके कंट्रोल करेगा तो जरूरत पड़ने पर वो ब्लॉक कर देगा जब जापान जब जब और साउथ कोरिया के अगेंस्ट उसको कुछ करना होगा एंड चाइना को चाइना की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको सिक्योर भी रहेगी इंडिया डेफिनेटली नीड्स टू एंगेज या फिर सार्क का यूज करके हमें म्यांमार बांग्लादेश हो गया श्रीलंका हो गया पाकिस्तान इज डिफिकल्ट वन बट स्टिल उसके बाद ईरान हो गया और जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं वी नीड टू मेंटेन हमारी जो इंडियन नेवी प्रेजेंस है वो इंडियन ओशियन में ज्यादा हो गया इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन इन द वर्ल्ड विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री

टेलीग्राम पे अगर आपको नहीं चाहिए इसका पीडीएफ, तो भी आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दिस इज द बेस्ट टेलीग्राम चैनल ऑन द वर्ल्ड या इट्स लिल बिट हाइब्रो बोले बट यू नेवर नो राइट यू कैन ऑल्सो हिट मी ऑन माइ सोशल मीडिया